मोबाइल बढ़ जा। कहाँ घर? कोलुआ। कोलुआ? हो टोला में? नहीं है जा। ये टोला में? अच्छा। तालुं के कितना कितना खेत बा? खेत नहीं। खेत नहीं खे? कहाँ होगी खेतवा रहे तो? बाप दादा को लोगे तो कितने कितने कहाँ से करते हैं? फिर उसमें गेल। तो तालुं पढ़े लो जना ही? हाँ पढ़ते लो तो चल आज छुट्टी बका। पढ़ो सो। सही बोलिए सो। पढ़ा तो नहीं है। छोड़ दे बोलो। सरकारी में पढ़ते रहनी है। हाँ ये छोड़ दे बोलो जना। अच्छा तो तालू के घरे है जी? नहीं नहीं बोले बोले। तालू के घरे बाबूजी के बाबा के खेत रहे ना? हाँ। का भाई खेत? हमनी के बाटे। तहार बा तहार हो? हमनी के बाटे। अ तहार हो? तहार खेत? हमने क्या क्या हो गया? एक हो गया। ताल में कहो तू जानी के? ना ऐसे हमने क्या हो गया ताल में खेत? हाँ नेता का तो तेज क्या जा रहा है ले? अच्छा नेता लोग नेता का टूना ऐसा? दोनों हाँ तो लोग बाइक वगैरह तीन उनको लेकर हाँ बाप जानते ही बनी खेत आन के काम कोई अपना ही करिए जाना। हाँ 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 आप पैसा मिले दूसरे पैसा मिले। हाँ सही बात है, सही बात है। यही बात होता। अच्छा तो तालू के खेते में काम करे में मन लगा था? हाँ ना बोला जा कोई बात नहीं के यहाँ के बताओ नहीं है ना दूसरा खेते में काम कर ली तो पैसा मिली घर के खेत में काम कर ली तो ना पैसा मिली वही के चलते घर में कम होते कम पार लगे ला घर में खेती बाड़ी के ध्यान बता सब कोई बात है। हाँ तो कहाँ से कमाई लड़कों का मात्रा से कुछ गार्जियन का मात्रा तो मैंने खर्चा पानी सीधा डाल दिया तो ये तो अच्छा ये खेत के कर रहा ला हमने कर लो खेत का भाई ये एक बार क्यों बोलता है हाई बोलता है हाई ये एक बोलता नहीं काय खाते हैं दीदिया का ब्याह वाली तो बेचारी दीदिया का ब्याह वाली तो बिकाई ठीक बा कितना पैसा लिया बा 50,000 50,000 के सब दही दिया गई ना सामान उमान के मैंने ब्याह में कर्जा लेके खेत बिकाई रेहन धराइल और ब्याह भाई ठीक बा तो खाए पिए के कहाँ से आवेला बस रोज कमाए के बाद खाए के बाद। अच्छा ये तो मनी एगो हमने के कास्ट बेच पर बात जाने के बाद से अन्यथा मतलब है ना हम कह तनी कौने बिरादर के खेत दिहल गई बा अंसारी साहब को दिहल गई बा ना यहाँ से कौनो अथी रहला भेदभाव चाहे यहाँ कब आके कुछ अथी ना बोली ले ना ना तो उहे तरमन जाने के बा जे खेत रहल छोटे छोटे लड़का लोग दूसरे खेते में कौन ना मन से चाव से काम करता और उकरा बाद से अपन खेत रहे तो कौन ही तरह मने बिका जाता है ना। अच्छा अभी अब बेचला के बाद में तनि मनी ई करे के बाद कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खास कर जो दलित बाड़े तो ये लोग के साथ मुस्लिम के का व्यवहार बा मुस्लिम लोग के साथ ये लोग के का व्यवहार बा तो व्यवहार में अभी तरह के बात की। हाँ तनि है ना कौर आप 20 साल पहले सारे लोग हम लोग किसान की तरह से ये लोग थे सबके पास अस्थाई घर था सब टायर बैल लोग रखते थे या खेती करते थे परिवार जो जो बढ़ा समझ आया ना। अभी वो हो गए ऐसे वो कितना देखिए अगर सब किसान है और 100 रुपये का मजदूरी 200 का कर रहा है तो उसमें से वो कम से हम नहीं चाहेगा तो 100 रुपये बचा लेंगे हम 100 रुपये बाजार करेंगे अगर ये 100 रुपये मजदूरी पा गए असभा गए ना तो 10-20 रुपये कर्ज उसमें कर लेंगे ये लोग ये नहीं कि उसमें कुछ मैनेज अपना कल के लिए रखे तो ये कहिए कि मैंने लगता है काम धाम अपना ये जो हट्ठा उठा हो गया है ये बहुत सहारा हो गया है ऐसा गार्जियन जो है ना 100 रुपये कमा लेगा दारू जाकर पी के ठहर जाएगा और ये अभी सब लोग क्या करेंगे क्या खाएंगे ये क्या करेंगे औरत क्या करेगी औरत जब लाएंगे पुरुष तभी ना औरत घर में साफ सफाई बनाएगी यही बात है छूट बीच में दारू सारू बना बना करके सब वो हो गए मैंने यही मजदूरा हम लोगों के ठिराई करते थे हम इधर हम लिया जाते थे इधर कुछ घाट रोड के साइड पे टेंट उठ डाल के रहते थे लोग हम लोग रहते थे एक मजदूरा 500-600 मिट्टी काट देता था दारू पी करके
सब लोग के फूल का चेहरा वाला सौ फीट बाट नहीं काट पाएंगे दादू को चलते सब घर बन रहा है क्या हम कितना हम लोग रुकेंगे तू लोग पढ़ो कितने काम नहीं है अगर तुझे प्रधान जी माने तो टाइट है प्रमुख हो यहाँ तो खिंचा जी सब की प्रमुख जी मन करता सिपाही पाई आओ लो तब गुस्सा भाई मना होना कहा घर है आपका हमारा घर तो इधर तमको ही है कहाँ किस जगह राजा पकड़ अच्छा हमने के मुसल विकास संस्था जो अनुभव के साथ बन जाए तो तनी हाई सब तो नाइल बा अरे वहाँ एक बार प्रधान आपके मछिया पकड़े में सुखल मुसल के प्रधान हुए वही हमारा समध्यान है दुकान का है दुधैया में सब हार्डवेयर तो क्या कीजिएगा जैसे देखिए कोई भी कास्ट है अगर 200 रुपया कमा रहा है तो अधिक से अधिक उसमें से वो 60-70-80 रुपए खर्च करके आधा उसमें बचाकर अपने कल के लिए रखेगा हमने की जाइले के मेन मकसद कर लो कि लइका मने अभी तो बाल मजदूरी भाई सब तो एक कारण का बा कारण बस वह बा भोजन बस भोजन तो ओके तने मने लेबे कर लो बा शिक्षा बा बाप मां अभी रहले के ले पर एक हम अब सब को सोचर बा दे हम खाना के लोसो मा गे गेड़ी के लोसो ना पैसा ताप के दे चुको जो खास दुवार का ठीक सोचर बा दे बोल के अब ले बाजू अपने माई के दे दियो सो अब जो जाई लो बाजार है तीन आई के उमे से 50 रुपए बचा के ले आई जाई लो तो चावल के ले लो मछली के ले लो चोरी लो से खोले घर अभी नहीं पहले के का खाए के बा अच्छा तने मने एक पॉइंट और बता जवाब दिया पर जैसे हमने के तो इनाम मान ले जा लेकिन अब पता ना और लोग के का बात हुआ हिंदू मुस्लिम के खासकर जो दलित बड़े अपने मुस्लिम ये लोग में मैंने कितना कैटेगरी मैंने आपसे सामंजस्य से रहता कितना कहाँ रहता तो तनि ये पर अपन मैंने अब देखिए इस टोले पर हम लोग 10-15 घर हैं मुसलमान लेकिन 30 साल से तो टोल प्रधान मुसलमान रहता है बाकी सारे लोग हिंदुए हैं ठीक हम लोग में कोई फर्क नहीं हम लोग इतना वो है कि अगर हमारे अपने जात को खिलाने में अगर 50 किलो चावल लगता है तो परमीन गाय के खिलाने में हमको 2 क्विंटल चावल लगता है दो दिन खिलाते हैं हम लोग एक दिन अपने जात भाई को खिला लेते हैं अब यहाँ पर सब लोग को पूरा माता हिंदू वासी बना के खिलाता है कोई हम लोग का वो थी ना इसमें 20 साल प्रधान 30 साल हाथ छोड़ रहे इस युग में रहना बड़ी मुश्किल है प्रमुख अलाउद्दीन अंसारी जानते नहीं जानते तो इसका मतलब कि कोई भेदभाव कोई भेदभाव नहीं हिंदू इन लोगों को हम लोग लड़कर पूछिएगा 70 को आवास सही बात है बता दे कोई मुसलमान की कोई सेक्रेटरी चाहे कोई प्रधान 500 रुपये उसमें लिया होगा बता दे तनिका हो कि लोना भाव हिम्मत नहीं है कुलवा के नाम पर कोई 100 रुपये सेक्रेटरी ले लेगा आवास में ले लेगा चाहे लोग हमारे यहाँ जितना भी पट्टा हो आबादी का छठा है पूछिए किसी का पट्टा नहीं हुआ है ये तुहरी रूट पर बात तुम बसा तहरी रूट बता दो बसा तुरी रूट बताई रूट बसा आज तक पट्टा था यही पट्टा है जमीन है बचत का आबादी का पट्टा देकर के प्रधान 200,000 रुपये लिए हैं एक लिए हैं लिए हैं लेते हैं पूछ लीजिए लेकिन हमारे यहाँ चैलेंज है कि कह देंगे लोग कोई सीटरी सीटरी लाते हैं तो पहले हमारे कहूँ हमें जल्दी के कम चाहिए आओ जल्दी फिर आओ पहुँच गए गाँव हम जाए तो हम क्या बड़ा अति हुई सब सुविधा हम लोगों के यहाँ एकदम एक नंबर का शिक्षा भी इन लोगों के लिए स्कूल यहाँ बन रहा था यही सब नहीं बनने दिए तब ये प्रयास भवन देख रहे हैं इसी टूले के लिए प्रयास भवन बना के कम से कम शादी ब्याह को लेकर होता है इनमें 10 पहुँचना होता है रही जाती हो क्या और कुछ जानना नहीं बस बस चलो शुक्रिया भाई ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद तो वो वही थोड़ा बाल मजदूरी का क्या कारण है क्या कहते थोड़ा ये लोग स्टडी कर रहे हैं अच्छा भैया चलिए आप जो बोल रहे थे ना क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जिसका ज़मीन है उसने शादी करवाने के लिए खर्चा में दिया ना कब से है उसके पास ये ज़मीन आपको पता है हाँ इसी साल शादी किया आपने 20 साल शादी किया हाँ ₹50,000 तो ये सभी जो बच्चियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं उसके ही बच्चे हैं क्या नहीं एक है एक बाकी और दूसरा है और ये जो अंसारी वहाँ पे बैठे थे ना वो कौन है यहाँ पे गांव में उसके पास बहुत जमीन है पैसा है कुछ है ऐसा हाँ जमीन है उनके पास अब पैसा कौड़ी काम और अंदाजा थोड़ी लगा पाएंगे मजदूरी करेंगे
कि इन लोग को मजदूरी बहुत मिलेगा तो 40 देंगे 50 देंगे और क्या देंगे? कितना पैसा देंगे? 50 रुपया देंगे एक दिन के लिए। हाँ तो अंसारी सर है वो कोई भेदभाव ऐसे कुछ नहीं करते हैं ना, जैसे कि यादव सर जो भी जब भी दलित मिलते हैं उन्हें कभी समान तरह से नहीं देखते हैं, ये अंसारी साहब कैसे देखते हैं सभी को? क्योंकि बराबर आते हैं, मतलब हम लोग इधर हिंदू और मुसलमान बहुत से कम झगड़ा होता है। हाँ और एक ही साथ रहते हैं सब। हाँ हिंदू और मुसलमान, जैसे हिंदू में बहुत बिरादरियाँ हैं ना, दलित हैं यादव हैं, लेकिन मुसलमान दलित से झगड़ता नहीं है। ठीक है, एक ही रहते हैं क्योंकि उस गांव में ना, उस गांव में हमने देखा है कि जो दलित का ज़मीन है उसे लिया है तो हिंदू ने ही लिया है, जो यादव और धोबी ने लिया है, धोबी दलित को समान नहीं देखता है। यहाँ का जमीन है बहुत, वहाँ है एक कहाँ गाँव को तरफ, हाँ उसको लगता है 15-20 कट्ठा है। हाँ और यहाँ था तो प्रमुख जी अपना आदमी को अपना बिरादरी को बसाए हैं, अलाउद्दीन अंसारी ब्लॉक प्रमुख। हाँ और हम लोग को बहुत कोशिश किए तो एक एक झोपड़ी का मिला है। प्रमुख कौन है यहाँ पे? अलाउद्दीन अंसारी। ठीक ठीक शादी कोई है लड़की के ये तरह तो यूं तो शादी हो जाए तो हो जाए एगो दूर पर ही तो होला। हां एगो यही तरह चार जने जाके तो डोल कड़ी वाला था डोल कड़ी। अब देखा था नहीं लोग डोल कड़ी करता था हां बिना नगदी के बियाह होता थे लगन तो होता चल के बराता होता। हां 50,000 में रखा हुआ। हां जमीन कैसे मिला था? जमीन किसे मिल रहे हैं? पट्टा का जमीन के साथ? पट्टा का नहीं है तो पुरानिया लोग का है। बाबा के हैं? हाँ पट्टा नहीं है। ये मेरा फिर किसे काम चला था? कमाने जा इंटा पाथे नहीं जा वही मैं किसी खेता में हो खाला इंटा पाथे नहीं जा। तो कमा भी खा लेता ना? हाँ वही में कुछ गेहूं हो जाला, गेहूं बोआला तो धान बोआला तो धान हो जाला, वही में ईटा पाथर जाला। ई तो लगल बा अपने अंदर कि जिनके दिहन गिल बा रेहन जिसे का कुछ नहीं ये कहता लो कि रेहन दियाला तो जैसे वो लोग उई पर फिर के कब्जा करके पूरा कब्जा ले लेला। हां ये तरह बुझाला का अपना अंदर लगेला कहीं अंसारी जी भी ये तरह करत कि अंसारी जी ना मंगा करी है जकरा हाथ है कोनी ओकरा हाथ है। गाय रखले मानी गाय बाछी भी आइल बिया एक तीन गो बकरी बाड़ी सब तीन गो बकरी जर से सात गो भइल बाड़ी सब उतना रखले मानी अब गैया गभिना हो जाए चाहे बछिया तो उनके दया भर के हम कामयाब कर ले। अच्छा माने उम्मीद उम्मीद माने हां उतना उम्मीद हम रखले बानी यानी हाँ इनका मतलब कहना है कि जमीन मतलब इनके पास 10 कट्ठा था, 10 कट्ठा में आधा वो बंधक रख दिए हैं, आधा में अपना ये लोग बोते हैं फसल उगाते हैं खाते हैं, बाकी समय मेहनत मजदूरी करके ईंट भट्टे पे काम करते हैं, ट्राली पे मिट्टी उट्टी लोड करते हैं, उसके उससे जो पैसा आता है उससे लोग अपना खर्चा चलाते हैं। पैसा जो खेत बंधक रखा गया
वो बंधक का पैसा लड़की की शादी करने के लिए इधर एक वो एक है कि धूमधाम से मतलब खूब शौक से लड़कों या लड़कियों की शादी किया जाए, उस देखा देखी में मतलब वो बंधक रखा गया खेत और आज तक अभी बंधक है। उसको छुड़ाने के लिए मतलब गाय रखी हैं, 7 बकरियां हैं, उसको पाल रही हैं, जिस दिन वो आके तैयार हो जाएंगे उसको बेच उच करके अपना खेत छुड़ा करके फिर खेत फिर से अपने वापस अपने हाथ में लेंगी और उस समय अपना जोतेंगी बोएंगी खाएंगी।